तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सीआरपीएफ, एचसीएमएल एंड एएसआई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक वैकेंसी जारी हुआ है तो उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, बताएंगे सारी जानकारी। उससे पहले अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं हम एक दिन में एक से दो जॉबों के बारे में बताते रहते हैं। तो चलिए इसमें जानते हैं कि क्या क्या दिया गया है, कब ऑनलाइन होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, तो उसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है संगठन का नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यहाँ पे देखिए आवेदन का प्रकार दिया गया है, इसका आवेदन ऑनलाइन होगा दोस्तों, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें कुल वैकेंसी की संख्या 251 पद निकाली गई है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आवेदन प्रारंभ होने का तिथि, देखिए यहाँ पे बताया गया है 10 मई से शुरू होने वाला है दोस्तों, और देखिए आवेदन का अंतिम तिथि 31 मई तक रखी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे और बताया गया है, आगे जानकारी दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिटेल दिया गया है, चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और भी देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ डेट दिया गया है दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है वो 8 मई को किया गया है दोस्तों, और देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन का लास्ट डेट और फर्स्ट डेट बताया गया है, जो फर्स्ट डेट है वो 10 मई से है और लास्ट डेट 31 मई तक रखी गई है दोस्तों। इसका एडमिट कार्ड 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है यहाँ पे। और देखिए इसका एग्जाम डेट बताया गया है 22-28 जुलाई तक हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे ऑनलाइन होगा अप्लाई, यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है, इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा दोस्तों, सभी कैटेगरी के लिए फ्री में ऑनलाइन कर सकते हैं आप, कोई भी पैसा नहीं लगेगा इसमें। और यहाँ पे देखिए एज लिमिट के बारे में बताया गया है, यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है मिनिमम एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं मिनिमम दोस्तों, और मैक्सिमम 40 ईयर होना चाहिए, और एज लिमिट 31 मई 2023 देखिए यहाँ पर रखा गया है। और भी देखिए यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, जो 12th पास होना चाहिए दोस्तों, किसी भी बोर्ड से आप 12th पास हो सकते हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक टेस्ट हो सकता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों फिजिकल के बारे में बताया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, यही सब इसमें होगा दोस्तों। और भी देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जो आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, सिग्नेचर वगैरह, यही सब इसमें लेता है दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट के रूप में। और देखिए यहाँ पे किस तरह से ऑनलाइन होगा इसी के बारे में लिखा गया है, तो आप इसको पढ़कर ऑनलाइन भी कर सकते हैं दोस्तों, इसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसे पढ़कर आप ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। और भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, चाहे तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हम इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका खुल जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मोबाइल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, यही जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे जरूर पढ़ लें दोस्तों, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी और भी दिया गया है जो हम इस वीडियो में आपको नहीं बता पाए हैं। तो दोस्तों और भी देखिए यहाँ से आप, यहाँ से ऑनलाइन प्रोसेस लिखा गया है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई लिखा गया है, वहाँ से आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ।